हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर मेहनत हो रही थी और खूब लोग तैयार हुए। एक नौजवान लड़का अब जो एक जमात का जिम्मेदार था, अब उसने कहा कि तुम लोग अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के फजल करम से हम आए हैं दरबार से, अल्लाह के वास्ते आपसे मैं जमानुल हक वकारी हूँ। हमारा ताल्लुक मुल्तान से क्रिकेट के लिए, हमने वैसा ही मालूम पैदा हुआ पर क्रिकेट सारी ऐसी मुल्तान के लिए हमारे साथ कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत अच्छे क्रिकेटर्स थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। हम समझते थे यार ऐसा देख के तो नहीं कहते थे कि ऐसा में प्लेयर्स ही बन जाते, ऐसे चंगे प्लेयर्स ही, पर वो नहीं बन सके। हम सब पे यकीन किया है, मुसलमान पे यकीन किया है कि सब कुछ अल्लाह करते, वो फकीर से बादशाह और बादशाह को फकीर बनाने वाले अल्लाह है। तो हम उनको बड़ी दुश्मनी निगाहों से देखा करते थे, तो मेरे प्यारे हुआ क्या, वो नहीं खेल सके। पता क्यों उनके साथ अल्लाह को पता क्यों नहीं खेलते? अल्लाह ने सानू दिला दिता जिन्हें अंदर हम पाकिस्तान खेल गए और 15-20 साल खेल गए, 3 वर्ल्ड कप खेले, वो नहीं खेल सके। पता क्यों नहीं खेल सके? इसलिए नहीं खेल सके मेरे प्यारों, एक तो मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह को पता है, दूसरा जो दुनिया के इस्बाब के तौर पर निकले थे, दुनिया के उत्ते देख की नजर रखी है, क्यों नहीं खेले? वो पता की करते थे, वो कोच समझाता सी ना गल, वो मैं कहते थे ना दुश्मार इस तरह गेंद पढ़ोगे तुम्हारी लेग बड़े ज्यादा होगी, खुली ज्यादा होगी। तो असि गौर का गल सुनते थे, की सुनते थे ना, गौर से बात सुनते, और वो सानू पता है, हमें पता है। बुले शाह ने भी लिखा, बुले शाह गल ताइयो उतरी जो मैं दिलों मकाइए। अली रजी अल्लाह ताला का कौल है, आपने फरमाया आप ऑफ एजुकेशन डन इफ यू थिंक यू डोंट नो एनीथिंग। इसका मतलब कि आधी तलीम मुकम्मल होगी उस बंदे की जो कहता है कि मैं नहीं पता, मुझे समझाओ, मुझे नहीं पता मुझे समझाओ। तो ये वो बात भी सुनते नहीं पहुंचती। आप सबसे गुजारिश है बात शुरू करने से पहले, ये मैंने इसलिए बात की है कि आप सारे टेलीफोन बंद करो, पहले 500 फरिश्ते 599 तोहफे लेके खड़े हो जाएंगे, वो की कहेंगे अहलन सहलन आजो आजो मुबारक होए, दुनिया की तुम अपनी भूपी ना नहीं डर के आए, तुम अपनी बीवी को ताने नहीं मारे, तुम लोगों को गाला नहीं कड़िया, तुम लोगों का हक नहीं मारिया, तुम फजर के उत्ते अपनी मस्जिद जाके नमाज पढ़ी, तुम लैन से चेहरा फेरी नहीं की, तुम झूठ नहीं बोलिया, तो मेरे बंदे तुम मनु राजी करके आए हो ना, तो सुन लो फिर हूं थोड़ा रब की इस्तेमाल करेगा। जन्नत के विच एक मौका आएगा जिदे विच अल्लाह कहेगा तुहानू एक चीज सुनावा, ए जन्नतियो तुहानू एक चीज सुनावा। वो कहते सुनाए अल्लाह, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह कह के ऐ दाऊद जरा जबूर तो पढ़ के सुनाए इनको, वो जबूर पढ़ के सुनाएंगे। दुनिया में जब दाऊद अलैहिस्सलाम जबूर पढ़ा करते थे तो क्या होता था, जंगल के जानवर जंगल सारे आके बोल बह जाते थे, नशा उन्होंने दारी हो जाता थी, ऐसी आवाज अल्लाह ने दी थी, ऐसी खूबसूरत आवाज दी थी
सारे दरख्त भी लल्ला पड़ते सी, हवावां च भी खड़खड़ाहट लल्ला पड़ती सी कि दाऊद अलैहि सलाम जो जबूर पढ़ते से ते जनतियां नूं अल्लाह की कह रहा है, जनतियां नूं कह रहा है हुण तुहानूं सुनावां, सुनो ऐ जनतियो सुनो। दाऊद अलैहि सलाम को अल्लाह कह गया, ऐ मेरे दाऊद जरा मेरे बंदियां नूं जबूर ते पढ़ के सुनाओ। जबूर दाऊद अलैहि सलाम पढ़ के सुनाएंगे ते ऐसा नशा तारी होगा जनतियां दे उत्ते, ओ नशे दे ऐसे गुम होंगे जो होश आएगी ते अल्लाह कहेगा हाँ इस तो बेहतर सुने हैं कारी, इस तो बेहतर नहीं सुनिया करी। अल्लाह तेरी मेहरबानी तेरा शुक्रिया किन्ना सोहना तू सुनाया सानू, ते अल्लाह कहेगा इस तो बेहतर सुनावा, इस तो बेहतर सुनावा। अल्लाह इस तो बेहतर की हो सकता, रोटी खवाते बूहे रिश्तेदारा वास्ते बंद नहीं करते, मस्जिद को आबाद करते, जरा माल दिता मेरे रस्ते च खर्च करते, हूं तो मैं हम होर सुना लगा। वो कहते अल्लाह हम की सुनाएगा, अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के मेरे हबीब मेरे जन्नतियों को जरा सूरत यासीन से पढ़ के सुनाओ जरा। अल्लाह उठे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचो अल्लाह ने नबी सूरत यासीन पढ़ के सुना और नशा की होएगा, नशा सारे जन्नती महल ऐसा नशे में, ऐसा नशे में तो उन्होंने होश ही नहीं रहेगा, जो तो होश आएगी अल्लाह कहेगा हम दसोगा या अल्लाह ए ते अखीर ही होगी, इसके बाद के ना हो सकता कुछ ना होएगा कुछ। अल्लाह कहते ठहर दो, तुम दुनिया ने मैं राजी करके आए हो, थोड़ा रब थानू अपना थोड़ा अल्लाह थानू सूरह रहमान पढ़ के सुनाएगा। सोचो तो सही तरह खिलाड़ियों को पता लगा, खिलाड़ियों को पता लगा ना, खिलाड़ियों ने कहा दुनिया ए दुनिया एक धोखे का घर है, कुरान चला गया बता और गलूर ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये बकरी का जाल है, ऐ मेरे बंदियों ने धोखे चढ़ाना, ऐ जवानी सदा नहीं रहती, ऐ बुढ़ापा सदा नहीं रहना, ऐ बचपना सदा नहीं रहना, थानू ऐसा कर देगा पहले थानू बचपन चे हाथ पैर काम नहीं कर देंगे, मां बाप के सहारे पे तुम्हें उठाऊंगा, जो तुम करोड़ करते करते उठोगे फिर जवानी तुहाड़े ते आएगी, जवानी के साथ जब तुम्हारे हाथों में टांगों में ताकत आएगी, जो तुहाड़ी जुबान फर फर बोलेगी, अगर तुसी जुबान को सही इस्तेमाल कर लेता, हथा को सही इस्तेमाल कर लेता, टंगा को सही इस्तेमाल कर लेता, तो फिर पता की होगा फिर तुहानू बुढ़ा कर देंगे, जो जिंदगी अल्लाह देगा फिर खजूर के दरख्त की तरह तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करना शुरू कर देगा, ते थोड़े बच्चे थानू कहेंगे अपने ना घाटी ब्याह करो, अपने गल नहीं समझ आती। ओही बच्चा जेड़ा जिन गल शुरू च नहीं समझ आती, बुढ़ापे च भी समझ नहीं आती, फिर लोकी की कहते हैं अपने ना घर ब्याह करो, पहला कहता है कौन है जो तुम्हें बुढ़ापे से बचपन से लेके बुढ़ापे में लेके जाता है, तो मेरे प्यारों ये खिलाड़ी की जिंदगी जब बदली तो इस बदलने के ऊपर असी तो कितने बैठे होते साड़िया बेगमा असी असी की कर रहे, बड़े बड़ी पार्टी कर रहे हैं, बड़े बड़े कपड़े ले रहे हैं, डायमंड की रिंगे लेके दे रहे हैं अपने बच्चों को, अपने बीवियों को बड़े बड़े घर बना रहे हैं, सुकून नहीं आ सकता क्योंकि अल्लाह ने खुद ही कहा ओ मेरे बंदे हो बड़े घर बना लो, बिस्तर तो खरीद सकते हो नींद कहां से खरीदो, गड्डिया से खरीद सकते हो सुकून कहां से खरीदोगे, एसी से लगवा सकते हो दिल की ठंड कितों खरीदोगे, दबाव की सोचे तुम्हारी चलती है, दबाव को ठंडा करने की ताकत किसके हाथ में है, तुम्हारे रब के हाथ में है, तो मान लो फिर अपने रब की गल, जो खिलाड़ियों को पता लगा कि मेरे पता की होया, एक दफा असि मैं शहीद अनवर से वकार जुनस असि छपे पज ना अल्लाह माफ करे असि करना जे ओ पाए हुए सी लोगों को हाथ पास की वी आर फैशनेबल, देखो असि गोरिया तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, असि उन्हें प्राउड फील करते सी कन्ना च मुंदरिया पाई हुई ने हथा च कड़े पाए हुए ने, ते की कह रहे हैं शबिल पद गए इब्राहिम मस्जिद लाहौर, तो उसे थोड़ी जी मौलाना काजमीर साहब गल कर रहे थे, तो अज भी याद है गल की कर रहे थे, सिर्फ पांच मिनट की उन्होंने गल सुनी, कौन है जो तुम्हारे तुम्हारा अल्लाह है तुम्हें अपने घरों में अपने घरों की छतों के लिए ऐसी
बैठे हैं, छत बनी है, पिलर्स खड़े किए ने ताकि छत को सपोर्ट मिल सके। अल्लाह कुरान च कहता है, मेरे बंदो और बंदियो दसो कि सही आसमानों को बनाने वाला कौन है, आसमानों के अंदर सूरज और चांद के निजाम को चलाने वाला कौन है, सूरज में रोशनी और व्यवहार भरने वाला कौन है, चांद में चांदनी और ठंडक भरने वाला कौन है, सितारों में मतलब रोशनी भरने वाला कौन है, कौन है जो दिन को रात में, रात को दिन में बदलता है, कौन है जो जिंदा से मुर्दा को, मुर्दा से फिर जिंदा को पैदा करता है, खुशबू भरने वाला है, कौन है जो पक्षी के अंदर शहद को बगने वाला है, कौन है जो शेर के दिल दे कहता है तू कहानी खाना, तू गोश खाना है, कौन है जो अल्लाह के फजल करम से समंदरों को सुनामी नहीं आने देता, जमीनों को थमाने वाला कौन है, जमीनों के अंदर पहाड़ों को गाड़ने वाला कौन है, पहाड़ों के अंदर ये जो कीड़े मकौड़ों को पालने वाला कौन है, जंगल के जानवरों को पालने वाला कौन है, जमीनों को बिछाने वाला कौन है, इसके अंदर फूल और फल पैदा करने वाला कौन है, फूलों में खुशबू और रंगत भरने वाला कौन है, फलों में जायके और रस भरने वाला कौन है, कौन है जो एक लकड़ा आम, दशहरी आम, डोल आम, अनवर डोल, ये सारे आम तो बड़े मजे से आजकल खाते हो, आम बनाने वाला कौन है, उन्हीं को लियो मेरे बंदे, कौन है जो आलू बुखारे को बनाता है, कौन है ये गंदर चावल सब्जियां दालें गोश्त दूध पानी शहद ये सब कुछ बनाने वाला कौन है, और तुम चौदह एक दाना पनीरी जमीन के अंदर गाड़ के चले जाते हो, चौदह बीज है ना, मैंने जो लगाया शिमलगढ़ में क्रिकेट खेलने से पहले मैं शिमलगढ़ आते थे आसमी में तो पनीरी लगाते थे, चावल लगाने से पहले आपको पता ना गोडी करके वो उसमें पानी डाल के तो पनीरी लगाते हैं, दसो अल्लाह कहता है तुम एक चौल का दाना दबा के जाते हो और 700 दाने मैं बनाना है कि तुम बनाते हो, और फूल तुम बड़े मजेदार लोगों के उत्तर सुनते हो, गुलाब के फूल की पत्तियों और उनमें खुशबू और उनमें रंग तुम भरते हो कि हम भरते, दसो कौन करता है, मानना कहता है तुम मम्मी बोल रहे हो, तुम्हारी सांसे मेरे अख्तियार में, तुझी आंखें बंद करके खोल नहीं सकते, तुझी अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकते, तुझी अपनी मर्जी का चल नहीं सकते, फिर पता की है इस कायनात में जब कोई आदमी जना करता है, जब कोई शराब पीता है, जब वो अपनी बहनों का हिस्सा मारता है, जब वो झूठ बोलता है, जब वो गीबत करता है, जो चोरी करता है, जो लोगों जदीमा के सिर को चादर खींचता है, जो किसी की हवेली अपने कब्जे से करता है, किसी की जगह के उत्ते अपने डंगर खोल देता है, जो ये सारा कुछ करता है, सारे गुनाह करता है, तो मेरी जमीन मुझसे पूछती है, मेरा आसमान पूछता है, मेरे फरिश्ते पूछते हैं, मेरा समंदर पूछता है, मेरे पहाड़ पूछते हैं, आग पूछती है, हर अल्लाह की मखलूक अल्लाह से इजाजत मांगती है, ऐ अल्लाह ऐसी सोनी तेरी आबो हवा, ये धरती तेरी सोनी, ऐसी सोनी धरती दे, ऐ कौन उधर जना करने वाला, तूने की दिता तेन जेल की लेके आई है तू, तेरे को तो एक डंगर नहीं लेके आई तू, उसको ताने मारने वाला ये कौन होता है, तेरी मखलूक का जज बनने वाला ये कौन होता है, जो अपने रिश्तेदारों के साथ बदतमीजी करने वाला, ये सारी जमीन अल्लाह से पूछती है, फरिश्ते कहते हैं कौमे शोएब के ऊपर जैसे अजाब आया था, कौमे लूत के ऊपर जैसे अजाब आया था, कौमे आद के ऊपर जैसे अजाब आया था, दूसरी कौमों के ऊपर अजाब आया था, अल्लाह हुक्म कर एनन दस दिए जमीन खुल जाए। मैं अभी मुजफ्फराबाद से आया हूँ परसों, वहां पे 2005 में वहां जलजला आया, और जलजला ऐसा आया कि बस्तियों की बस्तियां जमीन के अंदर चली गई और जमीन बंद हो गई, लोगों को पता ही नहीं लगा कि की होया की नहीं होया, कितों लोग आए सीधे कितने चले गए, उस माहौल के अंदर भी एक आदमी, एक मरी हुई औरत जो उसका मरीज आखिरी सांसें ले रही है, पत्थर के थल्ले लंबे पड़ी है, कि कह रही है बचाओ बचाओ मुझे, हेल्प मी प्लीज हेल्प मी मुझे बचाओ, वो आवाजा गा रही है, उस जलजले के मौके के बीच भी एक अल्लाह का नाम फरमान ऐसा आंदा है, ओदी हाथ दे विच सोने की चूड़ी नु देखदा है, और सोने की चूड़ी ओदे हाथों निकलती नहीं है, ओदा हाथ कट के रह जांदा है, ओदे बारे च भी जमीन कहती है दस ये कौन होंदा है, तेरी तेरी औरत नु, तेरी मखलूक नु, तेरी बंदी नु बचाण वास्ते इनु मेहनत करनी चाहिए सी, ए तेरा हाथ कट के चला गया, अल्लाह की कह गया सारी
مخلوق جب اللہ سے اجازت دیتی ہے کہ حکم کر زمین پھٹ جائے, آسمانوں سے اولے پڑھنے, بارشیں ہوں, آگی بارش, طوفان آئے, سمندر کا سونامی آ جائے, یہ ساری جب اجازت مانگتے ہیں, ساری مخلوق جب اللہ سے اجازت مانگتی ہے نا, تو اللہ پتہ کیا کہتا ہے, سب کی گل سن کے قربان جائیے اللہ کی ذات پہ. اللہ کی کہتا ہے خوشی بنایا ہے اور خوشی پیدا کیتا ہے, ان پیدا خوشی کیتا ہے, سارے ڈر کرتے ہیں. اب جو جواب کی اتنی ساری مخلوق کون ہے مالک, سارے بولو جی اللہ, خالق کون ہے اللہ, اللہ کہتا ہے میرے بر پرے ہو جو سارے سارے پرے ہو جو سارے کے سارے پرے ہو جو, میں اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہوں. اللہ کہتا ہے تسی گناہ کر کے معافی منگتے منگتے تھک جاؤ گے اور میں تمہیں معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا, پر تسی معافی نہیں منگتے. اور ایک سارا پورا سا میری ٹیم سے کھیلتا جی کر انگلینڈ میری ٹیم میں کھیلتا تھا, تو انہوں میں دسیا کہ اللہ نے سارے مذہب دے دے اسلام دے دے فرشتوں کی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے, ایک سچے پاس ایک کھبے پاس اور نیکیاں لکھتا ہے گناہ, وہ منتے ہی نہیں کسی چیز کی نا, وہ منتے ہی نہیں. تو میری گل سن رہا سی کہتا اچھا وی ناٹ بلیو دس, ہم نہیں مانتے. تو میں کیا کہتے نا گلے دے دے ساری نالی ہے, کھان پی کی نالی ہے, ساری نالی کے پیچھے فرشتہ بنایا کرے کہ میرے بندے کا کھانا روٹی کھا رہے ہوئے نا, تو ساری پاسے جائے تو ادھر جان نہ دینا, جان نہ دینا, ادھر فرشتوں کی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے. تو بولا کہتا ادو ہسیا, ادو ہسیا کہ لائی گئی, کہتا ہے کہ گھر نکلیا میں پریکٹس ساری ہو رہی سی, انگلینڈ کا واقعہ ہے, تو میرے کو آیا تو انہیں چپی پائی, میں کہ کی ہویا, کہتا میں گھروں نکلیا میری دھی میں لیٹ ہو رہا تھی پریکٹس تو, کہ پریکٹس تو میں لیٹ ہو رہا ہے, تو جلدی جلدی میرے واسطے کچھ تیار کر دے, کہتے انہیں برگر تیار کیا, انہیں برگر تیار کیا, تو برگر میں کھا تھا, تو برگر میں گلی شرام نے برگر کھا رہے تھے پریکٹس سے آ رہا تھا, تو برگر کھاتے کھاتے میری ساہ کی نالی سے نوالا چلا گیا, تو میرا ساہ رک گیا, ایک دم کہتا میں گڈی پرے کی تھی موٹر وے, موٹر وے گڈی پرے کی تھی, گڑی پرے کر کے میں رک گیا, تو میرا ساہ نہیں آ رہا. اب کوئی تین چار مہینے پہلے میں نمی روٹی کھا رہا تھا, ایک دم میری بھی ہچکی لگی, تو مجھے لگا کہ میرا ساہ نہیں آ رہا, تو میں جو ہے میری بیٹی نے مجھے ہاتھ مارے پوچھے کہ بابا نو ساہ آ جائے, ساہ آ جائے, بابا کیا ہو گیا آپ کو, کیا ہو گیا؟ یہ گورا کہتا میں گڑی پرے کر کے نا موٹر اپنی گاڑی کو موٹر وے کے سائڈ پہ لگ کے, تو میں اچھی اچھی ساہ لگا, تو میرے ساہ ہی نہ دینا کہ مر جانا ہے, آپ نے ڈائے تو مر جانا ہے. پھر میں کہ بیٹی ہے, کہتا تو میری کل پرسوں گل دسی سی نا کہ پچھلے بیٹھے ہیں, میں کہ ہاں, تو کہتا مجھے ایک دم میرے دماغ کے وچ گل آ گئی, تو میں کہا وہ اینجلس, وہ اینجلس, وہ فرشتو کھانے والی نالی جڑا ساہ, جڑا ساہ کی نالی چ میرا کھانا گیا, یہ پرے تے کر دیو, روٹی کھا لیا ہوتا ہے تے فرشتہ اگر پوچھتا ہے تیرا نام نہیں لیا, تو ہی ان کا رازق ہے, تو ہی ان کا خالق ہے, تو ہی ان کا مالک ہے, اور میرے بندے نے جلدی سے تیرا نام نہیں لیا, روٹی کا نوازا ساری نالی پا دیا, کہتا ہے اللہ کہتا ہے ٹھہر جا, شہد کھانا کھا کے کہتے شکر الحمد للہ, وہ بھی نہیں کہتا, کہ پھر بھی اللہ کی کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کوئی گل نہیں, اگلی روٹی کھا کر پھر مجھے یاد کر لے, اگلا کھانا کھائے گا تو پھر مجھے یاد کر لے گا, بندہ یاد نہیں کرتا. اور بہلول رحم اللہ گئے نا ہارون بادشاہ دے دربار دے وچ, تے پھر ہارون بادشاہ دے دربار چ گئے تے کیا بہلول کہاں سے آ رہے ہو, کتھوں آ رہے ہیں بہلول؟ کہا جی بادشاہ سلامت بازار گیا سی, اسلام کا نام کیا, لوڈار دے بازار چ گیا سی, لوڈار دو دار کیا
के बाजारों में गया था, हारून बादशाह ने गया, वो की कर गया सी बाजार बलोच क्या करने गए थे, तो कहा बादशाह सलामत बाजार आया जी ते अल्लाह की सुलह करान गया सी, ते की बनया फिर की बनया, तो बलोच रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो हारून बादशाह कहते हैं अल्लाह करने गया तो आप क्या कहते हैं, कब्रिस्तान वाले कहते हैं साडे भी सुलह करा दियो, ते हुण अल्लाह नहीं मनता पिया, कहता यो टाइम इज ओवर, थोड़ा टाइम खत्म हो गया, ये जिंदगी क्या है, चंद कनकते सिखों की सदा और मौत भरी देव का खाली होना, मेरे ख्याल सावा तक जिन्हिया तक सह चलते पे ना चिकन रेट लगना है सा जिथे सावा मुकिया नहीं रेट खत्म, तो फिर जो रेट खत्म हो जाओ तो फिर की होता है, फिर कोई भी चीज वो खरीदता क्योंकि वह रेट खत्म हो जाता है, इस वक्त अल्लाह ने दुनिया में हमें भेजा है तो ये खिलाड़ी की करते पे, खिलाड़ी की करते थे, उन्होंने क्या अगले दिन ना इंजमामुल अक्सर तो बेटा नमाज पढ़ रहा है इंग्लैंड के, उसके लिफ्ट के सामने नमाज पढ़ रहे थे, लिफ्ट नमाज पढ़ रहे थी, एक गोरा खड़ा हो गया पीछे, इन्होंने सफर के लिए दो रकात पढ़ी सलाम फिर लिया, पीछे देखा गोरा है कहते करके खड़ा देख गया थी, उन्होंने गौर ना देख गया गोरा, तो उन्होंने क्या गोरे ने कहा कि दैट वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज बड़ी चंगी सी, यह मैं भी कर सकता थोड़े नाम, कहते क्यों, कहता तो आपको देख के ना हालांकि नमाज पढ़ रहे थे, कहता तो आपको देख के तो मेरा दिल कर रहा है मैं भी सुकून आ रहा है, मैं भी इंज करा, नमाज पढ़ते देख के कहता मेरा दिल कर रहा है मैं भी इंज करा, मुझे सुकून मिल रहा है, तो मैं दसो मैं किस तरह एक्सरसाइज कर सकता, तो इमाम ने कहा कि साढ़े मजहब अल्लाह सू पांच वक्त बुलाता है, असि पांच वक्त उसकी इबादत करने, दिस इज द वे टू वी वर्शिप टू क्रिएटर, असि अपने अल्लाह की इबादत करने वास्ते इंज कर रहा है, अगो की कहता है वो कहता है कि मैं भी सीखना चाह रहा मैं दस, फिर इंजमाम ने उसे इंग्लैंड जरा मौलाना ने लोकल आलिम है वह नंबर दिता, और पता नहीं गोरे ने मिले कि नहीं मिले, इस तरह ही एक बंदा आया मेरे को तीन साल तक अंग्रेज इंग्लैंड का प्लेयर है, तीन साल तक मैं मुझे मैं फिर कहता है मैं जो पूछ रहा है कि इस्लाम कोई ऐसी चीज है कुरान के दवाइयां तंग आ गया पूरा जरा इस्लाम छेड़ता पे, तो कहता कोई कुरान के लिए कोई दुआ है जिसे बच्चे मेरे घर से बच्चा पैदा हो सकता है, तो डॉक्टर ने तुम पता है इंग्लैंड के डॉक्टर सब ना दुनिया के मशहूर डॉक्टर ने, तो उन्हें कहा जी डॉक्टर ने जवाब देता कि मेरे घर से इलाज नहीं हो सकती, मैं कहा यार देख साडे मजहब के बच्चे मायूसी ऊपर तो अभी मायूस नहीं होंगे, मैं एक बंदे को जन्म बुलाना है वो बंदे का नाम है शेख जहानी अहद है, उसे फुटबॉल खेलता होता सी लंडन के हॉस्पिटल काम करता है, लंडन के हॉस्पिटल करता है मिलाता है लंडन जाना पैसा कहता ठीक है, जो कोई बंदा अल्लाह लभन जाए ना चाहे वह मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो अल्लाह लभता किस तरह इस वाकई तुम पता लगे, उन्हें की किया उन्हें कहा कि आई वुड लाइक टू गो विद यू टू लंडन, और तो डेढ़ घंटे की ड्राइव कहना चल चलिए लंडन, मैं कल मैं फोन कर दे और शेर जानी कौन है ये घर की औलाद नहीं होंगी सी अरब है अरब को प्रोफेशनल फुटबॉलर हॉस्पिटल काम करता है और भी बीवी से भी डॉक्टर ने कहता शेर जानी इन योर फैमिली आई एम सॉरी सारे टेस्ट करके देख रहे हैं तेरे घर से बच्चा नहीं पैदा हो सकता, उन्हें कहते अच्छा साढ़े दीन के मनुष्य उम्र है अल्लाह चाहे तो सबको बेटे बेटियां दे दे सबको चाहे तो सिर्फ बेटे दे दे जिन्हों चाहे धियां दे दे जिन्हों चाहे धियां के पुत्र भी नाल दे दे जिन्हों चाहे कुछ भी ना दे साढ़े दीन के अल्लाह ने किया कि हर चीज मेरे कुदरत में है, तो डॉक्टर अगे हिंदू के गोरे डॉक्टर से लंदन के क्यों कहते हैं हंसते मेरी गल से कहता मैं एक दिन आया तो मैं किसी ने उलमा इकराम का बयान बैठा मैं सुन रहा है वो बयान सुनते उन्हें कहा जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है दिन में 313 से ज्यादा 313 दफा 313 दफा जेड़ा बंदा 313 दफा तो ज्यादा इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसको बेटे अदा करेगा अल्लाह उसको नहरें अदा करेगा अल्लाह उसको खुशियों गमियों से खुशियां अदा करेगा अल्लाह उसको रिज़्क़ वहां से देगा जहां से उसके गुमान भी नहीं जाता मुंह उतो खोलेगा रोटी दे जिसे उसका गुमान भी नहीं जाता, जो बंदा हर रोज अस्तगफरुल्लाह अस्तगफरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानकैनी कुंतुल लालिमी जड़ी भी इस्तगफार करो 313 दफा तो ज्यादा करो, उन्हें सुनी गल
कुरान से कह के जो इस्तकबाल करता है हम उनको नहरें अदा करेंगे, हम उनको रोजी वहां से देंगे, बेटे अदा करेंगे। ऐसे क्या अल्लाह ने सारे इनाम दिए, इतने जाके अपनी बुढ़ी को गया, अपनी बेगम को गया, बेगम ऐसा गल सुन रहे हैं कुरान चलना कह रहे हैं इस्तकबाल करने वाले को है इनाम दिया दासी करने। तो जो कहती है मैं नहीं करती है तू भी कर, कहता असि 500 दफा इस्तकबाल शुरू कर दी तो उमरे चले गए, उमरे जाके असी इस्तकबाल बढ़ा दी, उमरा करके वापस आए तो अल्लाह ने मेरी बीबी के पेट अमल पैदा करता, अमल कह दिया। कहता पूरे साल बाद मेरे घर च अल्लाह ने बेटा दिता, वो बेटे को मैं लैके हस्पताल गया, उ डॉक्टर हिंदू के गोरे के डॉक्टर से उन्होंने कहा हूज दिस चाइल्ड, यह कौन है बच्चा, किदा बच्चा है, उन्हें कहा जी मेरा, और कहा जी इम्पॉसिबल, उन्हें कहा जी एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज एवरीथिंग इज कम फ्रॉम अल्लाह, हर चीज अल्लाह के अख्तियार में, बंदे के अख्तियार में कुछ नहीं है। कि हम दूसरी गल सुनो डॉक्टर साहब मेरी, मैं इस्तगफार से इतना यकीन हो गया, इतना यकीन हो गया कि अगले साल एक बच्चा होर लै गया, कहता जी चार साल तक चार बच्चे तक बेटे के चार चार बेटे लेके गए, दो हिंदू डॉक्टर मुसलमान हो गए, दो गोरे मुसलमान हो गए, किस गलों अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, वो जो चाहे करते हैं, पर होएगा कितना जरा की कहेगा ला ला इलाहा नहीं है अल्लाह के सौ के मालिक और खालिक। जब ये आवाज लगाओगे तो अल्लाह क्या कहेगा, ये कहना अच्छा मैं तुम्हें कारगुजारी सुनाई है गोले ने ऐ सुन रहे थे, कहना लेकिन वो देखो लै चल रहे मैं फोन किया हूं मजेदारी गा सकता मैं शेख तीन दिन लाने आया हुआ है तो मैं क्या वेर आ गई, कहता आई एम इन ब्राइट एंड इन सेसेक्स, मैं क्या वी पक्की गल है, कहता पक्की गल है। और मैं गोले को गया मैं लेट्स गो, मैं गड्डी से उठाया मैं गाड़ी स्टार्ट की, मुझे पता था मस्जिद किधर है, वो मस्जिद में गया तो वहां पे तीन दिन की जमात आई हुई थी, तो तीन दिन जमात तो मैं क्या मैं और शेख जानी मुझे गोरे को बुलाया और गोरे को आपस से बुलाया तो मैं क्या बाहर चलना है तो अद्धे घंटे देना गल का वो भी 25 मिनट बाद गल गुल करके आया, मैं गड्डी च बैठा वाला इंतजार कर रहा है, जो मैं गड्डी के बैठा इंतजार कर रहा है, जो गड्डी चली तो गड्डी चली तो चुप करके बैठा रहा नहीं कोई गल की, सीजन बुक गया सा खत्म हो गया सीजन, मैं घर वापस आ गया पाकिस्तान, अगले साल फिर अप्रैल चला गया, फिर जो मैं अगले साल गया मैच खेलने उठे सीजन दे अगले साल मैच खेल गया तो मैं आया बच्चा होया तो मैं जफी पाई तो गोरे के दस्तूर है जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया ना पैसे बढ़ गए तो जफ्फिया पाने लगे वो पैसे बढ़ गए तो मैं क्या तेरा कॉन्ट्रैक्ट लगा चंगा हो गया यू हैव वेरी गुड कॉन्ट्रैक्ट दिस ईयर, कहता नहीं 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 मैं फिर तू अंदर तू खुश है वो सड़ी अंजा बोला सी मैं तू अज बड़ा खुश है की वजह है, तैयू भी कहते हैं कहता उसका बंदा तू बुलाया मैं हां फिर की होया कहता मैं 25 मिनट गल करके आया सी उन्हें मैं कहा कि रात को या शाम को या सुबह साफ सुथरा होके गुसल करके किबले वाल मुंह करके अपने रब को कही ओ माई क्रिएटर ओ मेरे अल्लाह ओ मेरे खुदा जेड़ा भी तू है मैं मेरे घर च औलाद दे दे ते मैं वो दुआ करता सी ते मैं क्या फिर की होया कहता वो दुआ करने की वजह नाल मेरे घर च दो जन्मे बच्चा पैदा हो गया घर च गोरे के घर च ते मैं उनको क्यों की गया मैं क्या अल्लाह ने तेन मैं दिखाता है हूं बॉल इज इन योर कोर्ट गेंद तेरे कोर्ट च है और पढ़ना करवा ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ते पारे न्यारे हो जाएंगे मेरे प्यारो। इसी तरह कितने गोरे हैं आप एक मैच खेलने गए उधर मैच खेलने गए उसे मैच खेलने गए तो उसे ना साढ़े मैं शाहिद अफरीदी वसीम अकरम सईद अनवर अजहर महमूद असि मैच खेलने गए उसे मैच खेलने गए मेरे प्यारों से की होया
ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਈਦ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਾੜੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਟੋਪੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਟਕਨੋ ਸੇ ਉੱਪਰ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਦੀ ਕਿੱਟ ਪਹਿਨੀ। तो जब जैसे मैच क्रिकेट पहनने लगे तो एक आवाज वहां पे गूंजी, वो आवाज किसकी थी? सईद अकबर हमारे साथ एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने किबले की तरफ रुख किया, करना उंगलियां दिखाया, तो सारी दुनिया के प्लेयर उठे बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में, पूरी दुनिया के प्लेयर, सारी दुनिया ने, इसको कहते हैं वर्ल्ड 11, सारी दुनिया के प्लेयर, बड़े बड़े मशहूर प्लेयर बैठे, और एक मुसलमान उठता है, उठ के किबले अल मुंह करके कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक आवाज अल्लाह की गूंजी होती है, अल्लाह का नाम गूंजा, सारे ड्रेसिंग रूम सन्नाटा, कोई नहीं बोले, सारी दुनिया के प्लेयर, सारी दुनिया के प्लेयर बैठे, एकदम अजान की आवाज आई, एकदम सन्नाटा, मेरे प्यारों पूरी अजान के वक्त कोई नहीं बोलता, सारे खरगोश। मैच शुरू होने से अभी कोई आधा घंटा पड़ा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया, सुन लो जड़े आखिर तक बैठे हो या जड़े इतने बैठे हो, सुन लो मेरे दिल की ख्याल आया, फिर मैं अल्लाह को सामने माफी मंगना है कि या अल्लाह मैं माफ कर दी। मेरे दिल की ख्याल आया, अगर थोड़े दिल कभी ख्याल आवे तो मेरी गल याद रखना। मेरे दिल ख्याल आया कि यार ए गोरे की कहेंगे, चुप करके कोने च नमाज पढ़ लेंगे, ए गोरे कितने मायने ना कर जन। अज अगर साडे दिल दे विच ख्याल आवे कि नमाज पढ़ा ते लोकी मायने ना कर जन, अजान दे वक्त दुकान बंद करदा लोकी मायने ना कर जन, रिश्तेदारां दे विच बैठा होवां, शादी दे विच बैठा होवां, ते उत्थे मुअज्जिन कहे हय्या अलस्सलाह, आजा कामयाबी की तरफ, आजा कामयाबी की तरफ, हय्या अलस्सलाह, आजा फला पाले 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 फला। उसके बावजूद अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल आए कि लोकी की कह के आज मैं थोड़े सामने बह के अल्लाह को माफी मांगना है कि यार अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्योंकि मेरे दिल में भी उस वक्त ख्याल आया था कि लोकी की कह के गोरे की कह के। सईद अकबर के दिल में ये ख्याल इसलिए नहीं आया कि सईद अकबर के दिल में अल्लाह आ गया था। जिसके दिल में अल्लाह आ जाता है वो दुनिया से उसका डर खत्म कर देता है, जो अल्लाह से नहीं डरता फिर वो लोगों से डरने लग जाता है, और जो लोगों से नहीं डरता जो अल्लाह से डरता है तो सारे लोगों के दिल में अल्लाह उनकी मोहब्बत पैदा कर देता है। मैं क्या ऐ बोले की कहेंगे, ऐ बोले की कहेंगे कि यार ऐ कौन है? उदो वर्ल्ड 11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का बम धमाके भी हो गए थे, देखो मैं बोले की कहेंगे, ऐ क्यों की गया? मैं जान लगा वजू कर, मैं तो शायद अपनी थी इस तरह, मैं अपनी बाहों को अपनी शर्ट को टोंग रहा इस तरह, तो शायद अफरीदी से मैं वजू कर जा रहे थे। उतों का एक जरा साड़ी टीम का कप्तान से ना, वह नाम स्टीव फ्लेमिंग थी, और स्टीव फ्लेमिंग इंग्लैंड न्यूजीलैंड का भी कप्तान से। तो न्यूजीलैंड के कप्तान मुझे क्या कहता है, कहता है मुशी, मुश्ताक से मुझे मुशी करके बुलाते हैं, कहते हैं मुशी क्या मैं तुझसे बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू यू, कैन आई वर्क विद यू प्लीज, अंग्रेजी से मतलब कहता मैं तेरे गल कर सकता है, मैं कह श्योर, मैं बोल गया, तो मैं मेरे देख सी उल्टे सीधे सवाल करेगा, उल्टे सीधे सवाल करेगा, तो मैं कहा कुछ की पूछना है, कहता है आई एम वेरी नाइन टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, पता नहीं सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं किसी मजहब के ऊपर मेरा कोई यकीन नहीं है, मैं एक चीज कह दिया हूं, मैं किसी मजहब को नहीं मानता, मैं किसी अल्लाह को नहीं मानता, पर मैं तेरे को एक सवाल कर सकता, मैं क्या 10-20 सवाल है, कहता पक्की गल है, मैं क्या पक्की गल है, उन्होंने सवाल सुनना कि सवाल करता हूं, गोरा अल्लाह नहीं मानता तो सवाल भी कर रहा मेरे को, अजान खत्म हुई उन्हें मेरे को आवाज दी, तो सवाल कहता पक्की गल है, तेरे को सवाल कर सकता है, पर्सनल क्वेश्चन है, जाती सवाल है, मैं क्या कर से सही, कहता वेरी नाइस टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, पता नहीं पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था, मैं फ्रस्ट्रेशन से आ गया ना, थोड़ा जो गुस्से जा गया, मैं कह यार कुछ आस्क मी व्हाटएवर द क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, कुछ तो सही की पूछना चाह रहे हैं, तो वो क्यों कहता है, कहता पक्की गल है, मैं क्या पक्की गल है, की कहता है, कहता है दैट वॉज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, इट टचेस माई हार्ट, गाना जो तुम गाया है ना मेरे दिल में लगा,
ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਦਫਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ 5 ਦਫਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਦਫਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਇਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਇਨਾਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੀ ਤੰਗਦਸਤੀ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 5 ਵਕਤ ਕੀ ਪੱਕੀ ਮੁਕਰਰਾ ਵਕਤ ਪਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿਰਫ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ 5 ਵਕਤ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਅੱਲਾਹ 5 ਇਨਾਮ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਸਬਸੇ ਛੋਟਾ ਇਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਉਸਕੋ ਕਿਆ ਦੇਤੇ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਉਸਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਤੰਗਦਸਤੀ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਤੰਗਦਸਤੀ ਮੇਂ ਕਿਆ ਆਤਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਘਰ ਦੇਗਾ ਚੋਰੋ ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ, ਅੱਲਾਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇਗਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ, ਅੱਲਾਹ ਗੱਡੀ ਦੇਗਾ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ, ਅੱਲਾਹ ਡੰਗਰ ਦੇਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ, ਅੱਲਾਹ ਬੱਚੇ ਦੇਗਾ ਨਾ ਪਰਵਾਨੀ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ, ਅੱਲਾਹ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ, ਅੱਲਾਹ ਸਿਹਤ ਦੇਗਾ ਬਿਮਾਰੀਓ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ, ਅੱਲਾਹ ਦੋਸਤ ਦੇਗਾ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ। ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੌਫ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੌਫ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੌਫ, ਸਾਰੇ ਖੌਫ ਅੱਲਾਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਮੁਕਰਰਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 500 ਨੂੰ 5000 ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, 5000 ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਤੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਪ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਔਰਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਸਕੋ ਸਭਸੇ ਛੋਟਾ ਇਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਤੰਗਦਸਤੀ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ, ਕਬਰ ਕਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ। ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ, ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਸੇ ਐਸੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਜੈਸੇ ਆਸਮਾਨੋਂ ਪੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਤੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 92 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਂ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, ਜਵੇਦ ਮੀਰਾਦ, ਇਜ਼ਮਾਮੁਲਾ ਕੇ ਯਾਦ ਅਹਿਮਦ, ਸਲੀਮ ਮਲਿਕ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਹਮ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵਰ ਵਾਚਿੰਗ ਔਨ ਟੀਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਕਮ ਦਾ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਏ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਅਸ, ਹਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਜਿਤਾ ਦਿਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ। ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਸਮ, ਉਸਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਕਸਮ, ਉਸਕੇ ਜਲਾਲ ਕੀ ਕਸਮ, ਉਸਕੇ ਬੁਲੰਦ ਮਰਤਬੇ ਕੀ ਕਸਮ, ਇਸ ਹਦੀਸ ਮੇਂ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੋਹਰ ਕੇ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਸਰ ਕੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਗਰਬ ਕੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਸ਼ਾ ਕੇ ਵਕਤ ਨੀਂਦ ਟਕਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਵਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਟੀਵੀ ਪੇ, ਸਭ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਫਜ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ੋਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਕਹਾ, ਉਸਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਕਸਮ, ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਜਲਾਲ ਕੀ ਕਸਮ, ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਕਸਮ, ਜੋ ਆਦਮੀ 5 ਵਕਤ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕਰਰਾ ਵਕਤ ਪਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇਕ ਆਮਾਲਨਾਮਾ ਦਾਏ ਹੱਥ ਮੇਂ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਦਾਏ ਹੱਥ ਮੇਂ ਨੇਕ ਆਮਾਲਨਾਮਾ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਰਕ ਮਾਰੇਗਾ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਫਜਰ, ਜ਼ੋਹਰ, ਅਸਰ, ਮਗਰਬ, ਇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਥਾ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਇਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਇਨਾਮ? ਅੱਲਾਹ ਕਹੇਗਾ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਮੁਸਤਾਕ ਅਹਿਮਦ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡੇ, ਤੂੰ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ? ਆਜ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚਾਹ ਮੌਜਾ ਕਰਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ।
हाथ खड़े करके दसो अज तो बाद केड़ा केड़ा है जब पांच बंदे की मुकर्रर होगा तो मस्जिद जाके नमाज पढ़ेगा इंशाल्लाह। और सारे सच्चे दिल सारे एक दफा कलमा पढ़ के कहो या अल्लाह साडी तौबा जिहड़ियां रह गईयां ने माफ कर दे, अज तो बाद तेरी नमाज नहीं छड़ांगे। सारे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या अल्लाह साडी सारे दी तौबा, अज तो बाद तू साडा ते असीं तेरे, तू सानू अपना बना ला ते सानू अपना बना ला ते साडा तू बन। सारे नियत करते हो? अच्छा, और उसी मैच में क्या हुआ? उसी मैच में मैच खत्म हुआ, मैच के दरमियान मुरलीधरन आया। मुरलीधरन श्रीलंका का बहुत मशहूर स्पिनर है। वो आगे पता क्या कहता है? आगे कहता है सही, अगर जी तुम्हें दूसरी नमाज पढ़नी है मैं थोड़े को कुर्सी ला के मैं कहना है बहुत शुभ आई सही तो अब मैं देख सकते थोड़े को मैं नमाज पढ़ दे। सही ने कहा देखना, वो कुर्सी लैके साथ कोल बह गया। असि पंजे क्रिकेटरों ने नमाज पढ़ी, असर की नमाज पढ़ के सलाम भेजा तो साढ़े को सही ने मेरे को आ गया। की कहता है? अंग्रेजी जाके कहना जो मैं थोड़ा पंजाबी तर्जमा करके दसना है। अंग्रेजी जाके कहता है पंजाबी तर्जमा है, कहता है मैं इतना सोहना तरीका किसी होर मजहब से नहीं देखा अपने रब नूं बना दा। सही ने कहा क्यों? वो कहते हैं तुम अपना शरीर कदमा चला सकते हो जमीन से रख सकते हो। कहता है आपको क्या कहता है? कहता है श्रीलंका के मेरे मुसलमान दोस्त थे, मेरे मुसलमान कुछ दोस्त थे, वो दोस्त गए थे, वो मुसलमान थे पर सही मैंने देख के मजा आया नमाज पढ़ने का। तो वो मेरे दोस्त नमाज नहीं पढ़ते, इन्हीं की वजह है, इन्हीं की वजह है। सही को कोई जवाब नहीं थी। शैतान ने क्या अल्लाह मौका दे क्या पता तेरे बंदे को तेरे कदमा से सिर भी रखने दिया गया। अल्लाह की कहता है, अल्लाह साजे को की कहता है, जिन्हों कदमा दिता है उन्होंने की कहता है? उन्होंने कहता है शैतान को कहता है जेड़ा मेरा होएगा ना, जेड़ा मेरे को याद करता होगा ओदा दिल करे या ना करे, ओदा दिल करे या ना करे वो मेरे सामने आके सजदा करया करेगा। क्यों? कि मेरे रब का हुक्म आ गया। और मलाजम का की काम है मालिक के सामने औका बोलना? जो मालिक का हुक्म आ गया तो गुलाम का काम है सर सुख देना। मेरी जात खत्म, मेरी हैसियत खत्म, अल्लाह मेरे नबी की जिंदगी उसी के ना काम। सारे करोगे इंशाल्लाह? आखिर जिनके माँ बाप जितना वो हाथ खड़े करके दिखाएंगे, अल्लाह उनका साया आपके सरों में सलामत रखे। है मैं थोड़े सामने बैठा शकरगढ़ तो मेरा तल्लुक है। मेरे दादा जी का नाम सी नशर सी, मेरे वालद का नाम सी चौधरी शम्मत सी, चौधरी नशर सी चौधरी शम्मत सी। मेरे वालद साहब शकरगढ़ तो साईवाल के मजदूरी करेंगे। मजदूरी पता की गल्ला मंडी साईवाल के विच काम करेंगे, बोरियां चुकन मंडी दे विच दो गुड़ दियां बोरियां कणक दियां बोरियां चुकदे हुंदे सी। ते मैं छोटा जिहा हुंदा अपने वालिद साहब नूं देखदा सी, बैठ यार कर लिया और पिछे करे नजरिया बैठ आ गल और ना सुने मां प्यो दी गल। ते मैं अपने वालिद साहब नूं ज्यादा देखदा हुंदा सी लुक लुक के। क्रिकेट खेलने तो पहले ना 10-11 साल की उम्र से मैं बोरियों के पीछे छुप छुप के अपने वालिद को देखा करता था। मेरे वालिद साहब सारा दिन नंगे पैर बोरियां चुक रहे ने, ट्रक भरी जा रहे हैं बोरियां चुक रहे ने, कम करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं। दोपहर में जो अपने बंदे नाल बहंदे से मजदूर ते रोटी बहुत खाते थे, बहुत खाना खाते थे। ते शाम को असि 8 भैन भरा ते मेरे वालद साहब अल्लाह जन्नत बख्शे। ते जो घर वापस आते शाम को सोचो तुहानू पता है जिन्हें पिंड के जिंदा बंदा काम करता है ना और शाम को आराम नाल 3-4 रोटियां खाता है, दुध का प्याला नाल पीता है, नाल मक्खन खाता है, उन्होंने अल्लाह ने हाथ में सर मेहनत करके आया होता है। तो शाम को मेरे वाले साहब मेहनत करके आते थे घर, तो मेरी अम्मी रोटी मंगा रही होती थी, असि 8 भैन भरा चूल्हे देके पीड़ में बह के रोटी खा रहे होंगे सी। तो वाले साहब घर से दाखिल होंगे सी, तो अम्मी कहती थी वाले साहब को देख के अम्मी पता की आवाज मारनी, ओए बच्चो अज रोटी घट खाना, थोड़े प्यो ने भी रोटी खानी,
ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨੀ ਰਾਤਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੁਸਤਾਕ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਰਾਤਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਿਹਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਕਿੰਨੀ ਰਾਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭੁੱਖ ਬਚਾਅ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੰਗਣ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੌ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਸੌਣ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੰਨਤ ਫਰਦੋਸ ਖਿਆਲਾ ਬਦਾ ਬਦਾ ਫਰਮਾਏ ਉਹ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਦੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਲਣੇ ਸੀ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਲਣੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੂੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਈਦ ਈਦ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਪ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਲਣ ਆਪ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਲੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਲੈ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅੰਮੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਤੇਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਔਰ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲਓ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੇ ਸਾਥ ਬਦਤਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਜ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਪੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੰਮਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਵੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸੋ ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਬਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕਾਟਾ ਛੋਲੀ ਖਿਲਾਫ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕੀ ਦੀ ਛੋਲੀ ਉਠਾ ਲਾ ਕੇ